हम समझते हैं देश का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावे मेरा व्यक्तिगत संबंध उनके साथ इस रूप में है कि वो मेरी माँ जैसी थी और अनऑफिशियली कई बार उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है कन्हैया। और भी वो लोग जो सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जिग्नेश हों और दूसरे लोग हों, उनके साथ भी बहुत आत्मीय संबंध रखती थी और उनको देख करके जो उनका व्यक्तिगत जीवन है वही उनके सामाजिक जीवन पर भी रिफ्लेक्ट करता था। उनके एक्टिविज्म पे, पत्रकारिता पे वो रिफ्लेक्शन मिलता था कि एक निडर, बेवाक, स्वच्छंद, आज़ाद ख्याल की वो महिला थी और किसी भी तरीके की गुलामी, किसी भी तरीके का शोषण, वंचितों के आवाज़ की दबाने की किसी भी साजिश को वो अस्वीकार करती थी और अपने कलम को की ताकत से उस आवाज़ को वो बुलंद करती थी। देखिए, कई चीज़ें दिमाग पे जो है आ रही है जब से खबर आया है। मैं हालांकि अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता हूँ और मैं ठीक रहता हूँ इन मामलों में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्लैशबैक में दिमाग में चलता है। अभी चूंकि हत्या हुई है तो बार बार एक बात याद आ रही है कि वो कहती थी कि मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर ख़तरा है, गुलबर्गी की लिस्ट में हमारा नाम है और अब मैं उनका टॉप टारगेट हूँ, लेकिन मैं डरूंगी नहीं और मैं सच के लिए लिखती रहूँगी। और ठीक उसके बाद जो है ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ, 5 अगस्त की रात की बात है। उसके बाद जो है हम लोग बात तब किए जब इंदौर में मेरे ऊपर हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि घबराना मत, हमला यदि हो रहा है तो समझ लेना कि तुम सही कर रहे हो, अगर इस कड़ी में जोड़ करके देखें तो उनकी तो हत्या ही कर दी गई, इसका मतलब वो सही चीज़ के लिए लड़ रही थी।